ग्लोबल कॉलेज ऑफ लॉ से असिस्टेंट प्रोफेसर मेहताब आलम, आप लोगों को सीपीसी की क्लासेस चल रही थी उसी के टर्न में हम आपको बताते हैं कि आपको मैंने पहले भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करा दी हैं, आज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं कवर कराऊंगा जो बी एल एल बी एल एल बी स्टूडेंट्स हैं जो एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, जिनके एग्ज़ाम 10 दिसंबर से स्टार्ट होने वाले हैं। उनके क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आता है, फॉरेन कोर्ट से आप क्या समझते हैं, फॉरेन जजमेंट से आप क्या समझते हैं, फॉरेन कोर्ट्स के जजमेंट की क्या एविडेंसरी वैल्यू है, या फॉरेन कोर्ट्स के हम जजमेंट की क्या हम प्रिजम्पशन करेंगे, तो इससे संबंधित या शॉर्ट्स में वेरी शॉर्ट्स में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मैं आपको बताऊँगा कि फॉरेन कोर्ट्स क्या है, फॉरेन जजमेंट क्या है, फॉरेन जजमेंट की क्या उसकी एविडेंसरी वैल्यू है, उसको कितनी मान्यता दी जाएगी भारत में, या उसकी क्या प्रिजम्पशन करेगा कोर्ट, तो उसके बारे में मैं आपको क्लासेस कराऊंगा। चलिए हम देखते हैं शॉर्ट में और इजी लैंग्वेज में। सबसे पहले हम देखेंगे कि विदेशी न्यायालय क्या है, कौन है। विदेशी न्यायालय को समझना बहुत ज़रूरी है। तो सेक्शन 2 सब क्लास 5 में फॉर विदेशी न्यायालय की परिभाषा दी गई है, अर्थात फॉरेन कोर्ट के बारे में बताया गया है। तो फॉरेन कोर्ट एक ऐसा कोर्ट है जो भारत से बाहर स्थित है, ध्यान रखना, जो भारत से बाहर स्थित है और शब्द यूज़ किया गया है, भारत से बाहर स्थित है और केंद्र सरकार के प्राधिकार से ना तो वह स्थापित किया गया है और ना ही चालू रखा गया है। याद समझ में आ गया होगा आपको। तो क्या है, मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। फॉरेन कोर्ट्स मीन ए कोर्ट सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया एंड नॉट एस्टेब्लिश्ड और कंटिन्यूड बाय द अथॉरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। कोई भी ऐसा कोर्ट जो भारत के बाहर स्थित है और जो केंद्र सरकार की अथॉरिटी द्वारा ना तो चलाया जा रहा है और ना ही स्थापित किया गया है, तो ऐसे कोर्ट को हम फॉरेन कोर्ट मानेंगे। और सेक्शन 2(5) इस चीज़ को स्पष्ट कर देता है कि फॉरेन कोर्ट किसे समझा जाएगा। चलिए हम देखते हैं फॉरेन जजमेंट। सेक्शन 2 सब क्लॉज 6 में कहा गया है कि विदेशी निर्णय से आप क्या समझते हैं, फॉरेन जजमेंट से आप क्या समझते हैं। तो फॉरेन जजमेंट से तात्पर्य है ऐसे जजमेंट से है जो विदेशी न्यायालय का जजमेंट है, जो विदेशी न्यायालय का निर्णय है। विदेशी न्यायालय के निर्णय को ही हम कहते हैं विदेशी निर्णय या फॉरेन जजमेंट। तो ऐसा जजमेंट जो विदेशी न्यायालय द्वारा दिया गया है उसे हम कहेंगे कि फॉरेन का जजमेंट है। तो सेक्शन 2 सब क्लॉज 6 में विदेशी निर्णय या फॉरेन जजमेंट के बारे में बताया गया है। इसी प्रकार से हम सेक्शन 13 देखेंगे कि विदेशी निर्णय अगर आ गया तो उसका क्या निश्चायक कब माना जाएगा, उसके जजमेंट को या उसके कंक्लूसिव माना जाएगा, या कंक्लूसिव हम किस कंडीशंस में नहीं मानेंगे, तो किस कंडीशन में हम कंक्लूसिव मानेंगे, तो इसके बारे में हम जानते हैं। पढ़ता हूँ डायरेक्ट, विदेशी निर्णय उसके द्वारा उनकी पक्षकारों के बीच या उसके हक के अधीन मुकदमा करने वाले पक्षकारों के बीच निश्चायक होगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या कहते हैं, जो फॉरेन जजमेंट है जो जिन पक्षकारों के बीच विवाद था, उन पक्षकारों के लिए न्यायालय ने एक फॉरेन जजमेंट दे दिया, फॉरेन कोर्ट ने एक जजमेंट दे दिया उन पक्षकारों के लिए, तो उन पक्षकारों पर वो जजमेंट कंक्लूसिव नेचर का होगा, निश्चायक माना जाएगा। लेकिन कुछ कंडीशन है जिसमें अगर वो साबित कर देते हैं कि साहब इसमें ये कमी रही है, तो वो निश्चायक नहीं माना जाएगा। तो जनरली क्या होता है कि विदेशी निर्णय जो है वो निश्चायक नेचर के होते हैं, कंक्लूसिव नेचर के होते हैं, उनको निश्चायक रूप से माना जाता है। लेकिन कुछ कंडीशन है जिसमें अगर वो साबित कर देता है कि साहब इसे निश्चायक इसलिए नहीं मानना चाहिए, जो मैं आपको ग्राउंड बता रहा हूँ, तो वो ग्राउंड आपको समाधान करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं तो उसको कंक्लूसिव एविडेंस के रूप में ही स्वीकार करता जाता है। पहला ग्राउंड है कि वह सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा नहीं सुना गया। ऑब्जेक्शन ये उठा दिया कि साहब जो फॉरेन कोर्ट थी वो कॉम्पिटेंट कोर्ट नहीं थी, और उसने ऐसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ना होने के कारण उसने उसको उस मामले की सुनवाई नहीं कर सकती थी। तो कॉम्पिटेंट कोर्ट वाले न्यायालय द्वारा नहीं सुना गया। एक सबसे बड़ा एलिगेशन ये लगाया कि साहब जो कोर्ट थी वो कॉम्पिटेंट ही नहीं थी, तो इस आधार पर हम इसको निश्चायक मानना अस्वीकार करते हैं कि साहब इसे निश्चायक मत माना जाए। दूसरा कि वह मामले के गुणागुण के आधार पर नहीं दिया गया है, वेयर इट हैज़ नॉट बीन गिवन ऑन द मेरिट्स ऑफ द केस, केस के मेरिट्स पे नहीं दिया गया है, जो केस था उसकी मेरिट्स के आधार पर उस पर जजमेंट नहीं दिया है, उसकी केस की मेरिट के
के ग्राउंड पर हमें ऑब्जेक्शन है, ठीक है, तो गिवन ऑन द मेरिट ऑफ द केस, ठीक है। तीसरा हम देखेंगे कार्रवाई के सकर्त दर्शने स्पष्ट कि वह अंतर्राष्ट्रीय विधि के अशुद्ध बोध पर या भारत की किसी विधि का, कहने का मतलब यह है कि वो जजमेंट ऐसा है जो अंतर्राष्ट्रीय विधि का उल्लंघन कर रहा है, या ऐसा कोई विधि है, कोई ऐसा लॉ है जो भारत में लागू है उसको क्या कहते हैं उल्लंघन कर रहा है, हैं, तो ऐसा जजमेंट जो है किसी लॉ को जो है वो किसी लॉ का उल्लंघन कर रहा है, तो ऐसे जजमेंट को भी हम नहीं मानेंगे। इसी प्रकार से चौथा ग्राउंड ये हो गया कि साहब जो जजमेंट आया है उसमें नेचुरल जस्टिस का पालन नहीं किया गया है, वो कहते हैं अगेंस्ट नेचुरल जस्टिस है, अपोज्ड टू द नेचुरल जस्टिस, तो नेचुरल जस्टिस या नेचुरल नैसर्गिक न्याय का पालन नहीं किया गया, जैसे नैसर्गिक न्याय क्या दोनों पक्षकारों को नहीं सुना गया, इस तरीके से नेचुरल जो होते हैं नेचुरल जो जस्टिस होता है उसके कुछ ग्राउंड्स होते हैं कि दोनों पक्षकारों को सुनो, सुनवाई का मौका दो, तो इन सब का पालन नहीं किया गया साहब, इसलिए इसको कंक्लूसिव आप मत मानिए। इसी प्रकार से अगला ग्राउंड है कि वह फ्रॉड से प्राप्त कर लिया गया, जजमेंट जो भी प्राप्त किया गया है वो फ्रॉड से प्राप्त किया गया, कपट से प्राप्त किया गया है, और अगला जो है वह भारत में प्रयुक्त किसी विधि को भंग करता है, अगर हाँ वो जो जजमेंट है वो जजमेंट अगर हमने लागू कर दिया तो वो भारत में किसी न किसी विधि के उल्लंघन करेगा जो कि दावे को ठीक ठहराता है उसको उल्लंघन कर देगा। तो ये 7 ग्राउंड हैं, अगर आप इस ग्राउंड को साबित कर देते हैं तो फॉरेन कोर्ट को के जजमेंट को कंक्लूसिव नेचर का नहीं माना जाएगा, अदरवाइज अगर आपने इसको प्रूफ नहीं किया तो ऐसे जजमेंट को हम कंक्लूसिव जजमेंट मानेंगे। इसी प्रकार से धारा 14 क्या कहता है, विदेशी निर्णय के बारे में उपधारणा प्रिजंपशन एज टू फॉरेन कोर्ट्स फॉरेन जजमेंट्स, न्यायालय किसी ऐसे दस्तावेज के पेश किए जाने पर, न्यायालय के समक्ष अगर कोई ऐसा दस्तावेज पेश किया गया, डॉक्यूमेंट पेश किया गया जो विदेशी निर्णय हो, जो विदेशी निर्णय है, यदि उस दस्तावेज को अगर आपने क्या कहते हैं उसके अपोजिट अगर आपने उसको प्रूव नहीं किया तो यह माना जाएगा कि साहब ऐसा निर्णय जो है वो सक्षम न्यायालय द्वारा दिया गया था, सुनकर दिया गया था, दोनों पक्ष को सुनकर दिया गया था, और अगर कोई व्यक्ति इसका ऑब्जेक्शन करता है तो ठीक है आप इसका आप साक्ष्य देकर उसको खंडित कर सकते हैं। तो प्रिजम्पशन कैसी है, यहाँ पर सेल्फ प्रिजम्पशन से, यहाँ पर जो भी फॉरेन कोर्ट का अगर कोई कॉपी लाता है, डॉक्यूमेंट लाता है कि साहब ये फॉरेन कोर्ट का जजमेंट है, तो कोर्ट जो है उसको फॉरेन कोर्ट के जजमेंट को सेल्फ प्रिजम्पशन मानेगी, सेल्फ की ये ठीक है इसका जो जजमेंट है वो सही है, कॉम्पिटेंट कोर्ट ने दिया है, सारे प्रॉपर जो भी क्या कहते हैं गाइडलाइंस है वो पूरी करी है, नेचुरल जस्टिस का प्रयोग किया है, वो ये मान कर चलेगा कि प्रॉपर जजमेंट है, कॉम्पिटेंट कोर्ट ने दिया है। अगर कोई व्यक्ति जो इसका ऑब्जेक्शन दाखिल कर रहा है कि साहब इसको प्रिजम्पशन को सेल ना माना जाए, तो आप ठीक है आप एविडेंस दे दीजिए उसको, आप एविडेंस दे के आप साबित कर देते तो हम नहीं मानते हैं, तो वो खंडनीय नेचर का है, उसको खंडित किया जा सकता है, लेकिन प्रिजम्पशन इज ए सेल प्रिजम्पशन है। तो फॉरेन कोर्ट के बारे में आपने समझ चुके होंगे कि फॉरेन कोर्ट के किसे कहते हैं, फॉरेन जजमेंट क्या होता है, फॉरेन क्या कहते हैं फॉरेन जजमेंट के की जो एविडेंसरी वैल्यू है तो उसका निश्चायक साक्ष्य के रूप में माना जाता है, उसके जजमेंट को निश्चायक नेचर का माना जाता है, कंक्लूसिव नेचर का माना जाता है। फॉरेन कोर्ट की कॉपी अगर कोर्ट के सामने पेश होती है तो उसको हम क्या कहते हैं सेल्फ प्रिजम्पशन के अंदर रखते हैं, उसको सेल्फ प्रिजम्पशन मानते हैं। तो ये 4-5 सेक्शन जो फॉरेन कोर्ट से संबंधित हैं, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, शॉर्ट्स पे शॉर्ट्स में पूछा जाएगा। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो ग्लोबल कॉलेज ऑफ लॉ के असिस्टेंट प्रोफेसर मेहताराम साहब संपर्क कर सकते हैं, और वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।